आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बयानों से ऐसा लगता है कि वह किसी प्रकार के दबाव में हैं। कुछ लोगों के बहकावे में कैप्टन अमरिंदर सिंह आ रहे हैं, जबकि पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हमेशा सम्मान दिया। इनकी तुलना में कांग्रेस के कई नेताओं को कम अवसर मिले, बावजूद इसके वह कुछ लोगों के बहकावे में आ रहे हैं। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बेअदबी मामले में कार्रवाई नहीं की और इसीलिए विधायकों ने उन्हें हटाने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह के हाल फिलहाल के बयानों से लगता है कि वह किसी तरह के दबाव में हैं। वहीं हरीश रावत ने कहा कि अमरिंदर सिंह को दोबारा विचार करना चाहिए, उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की मदद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अब तक जो भी किया वह पंजाब में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया। हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बेअदबी मामले में कार्रवाई नहीं की, आखिरकार विधायकों ने उन्हें हटाने का फैसला लिया। मन से इस बात को कहना पड़ रहा है कि उनकी वो जो नॉमिनेशन की थ्योरी को आगे बढ़ाकर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों के उकसावे पर जिनके साथ उनका कोई सैद्धांतिक संबंध नहीं होना चाहिए। अमरेंद्र सिंह जी कांग्रेस पर रहे, कांग्रेस से बाहर भी रहे, लेकिन उन्होंने सेकुलरिज्म को अपनी पॉलिटिक्स का हमेशा कोर इशू माना और आचरण किया। श्री अमित शाह और भाजपा के कुछ नेताओं से जो उनकी नजदीकी है, वो उनके जीवन भर की पूंजी सेकुलर क्रेडेंशियल को पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। उत्तराखंड खबर के लिए कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ किशोर रावत की रिपोर्ट।